अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये तो समझ ही गए होंगे। हमारे देश में क्या डेवलपमेंट हुआ है साहब, यानी लड़कों का पैजामा नीचे जा रहा है, अब भारत की बेटियों का कपड़ा ऊपर चढ़ते जा रहा है। समाज चाहे जो हो, धर्म चाहे जो हो, बोलो सही है गलत, जोर से बोलो ना। लेकिन इसी समाज में, हमारे ही मुल्क में, बनामी मुसलमान एक ऐसा भी टोला है, पगपगम, जिसकी जिम्मे कोई काम नहीं, एक के काम है, यानी उस वो इतना बड़ा बेरोजगार है, हड़िया, पतीली, पतीला, बिस्तर सब लेके घूमते रहे, और एक ही काम है। वो क्या काम है? वो घूम घूम कर बोलेगा, देखो ना ये सुन्नी बरेलवियों के यहां क्या कहे भाई, माफी चाहे जो हो, सिर्फ एक ही रसूल की बात करते हैं। सिर्फ एक ही रसूल की बात करते, महफिल होती जाके तो उसी नबी की बात, तकरीब हो शादी और निकाह की तो उसी नबी की बात, महफिल हो मेराज की तो उसी नबी की बात। तो मौली साहब का पैजामा कुछ जरूरत से ज्यादा हो जाता, बड़ा बलियावी साहब एक क्वेश्चन है, मैंने कहा दो कर लो, बोला एक बात बता दीजिए, एक ही नबी की बात करते 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 सुबह शाम रात दिन हर महफिल में एक ही नबी की बात, क्या आप लोगों का मन उकताता नहीं? तबीयत उकताती नहीं? अब जी से मान लो शहबाज रजा एक ही कलाम पूरी रात पढ़ते रहे तो बहुत अच्छा हो, तो लोग कहते हैं कि इस शेर को एक बार और, बहुत ज्यादा दिलों को छू गया तो कहते हैं मुकर्रर, और कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं तो मुकर्रर के बजाय कह देते हैं तकर्रर, जो लोग अच्छी भी नहीं लगता। तो पलट के बोला, मौलाना बलियावी बता दो, आप सिर्फ एक ही नबी की बात करते हो? नबी तो बहुत थे। मैंने कहा आप थे नहीं हैं। जोर से जोर से जोर, थे नहीं हैं। तो फिर उसका थोड़ा सा हार्ड डिस्क खोपड़ी का घूम लिया, बोला कैसे? तो मैंने कहा कि तू अपना जरा माथा सर पकड़ के देख तो तेरे सर में भेजा है, बोला वो तो अंदर है। मैंने कहा खींच के बाहर कर, तब देखेगा ना, तब समझ पाते। बोला ना आदम है, ना ईसा है, ना मूसा है, ना जकरिया है, ना यूसुफ है, और आप कह रहे हो सब नबी है। मैंने कहा कल के तुवरे कुरान पढ़ा, शबे मेराज वाली, बोल दो बोल दो बोल दो, अरे बोलो जोर से, سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى। سبحان الله لگاؤ بلی ابھی اپنی جگہ پر آ گیا ہے, بول دو سبحان الله, مسجد حرام سے مسجد اقصى, میں نے کہا اگر تو نے ضمیر بھیجا نہیں کسی سکتا کی چوکھٹ پر, آج کے
मौजूदा सऊदीया के सलमान की तरह अगर भेजा नहीं है तो जो वही मस्जिद अक्सा है जहां नबी इमाम थे, आदम मुक्तदी थे, ईसा मुक्तदी थे, इसराफील मुक्तदी थे, इजराइल मुक्तदी थे, सारे नबी मुक्तदी थे, मुस्तफा इमाम थे। अब इसको जहन को ये लो, आज मुल्क की सरहदों सीमा से अलग, क्या करबला की मिट्टी से प्यार है साहब? इसलिए नहीं के फरा, इसलिए नहीं की जमीन का लाजान, इसलिए नहीं की जबरो तशद्दुद, करबला की मिट्टी इसलिए काबिले ताजीम और तकरीम हो गई कि जिसको नबी ने अपने जिस्म का हिस्सा कहा। जिसको मुस्तफा ने अपने जिस्म का और क्या कहा, हुसैन मुझसे हुसैन मुझसे मैं कभी मौका मिला तो इस दो ही जुमले पर पूरी गुफ्तगू कर दूंगा, हुसैन मुझसे मैं हुसैन मोहब्बत से बोल दो। अब मान लो मोइनुद्दीन कादरी साहब अपने नवासे को कहें कि ये मेरी बेटी से है, बेटी मुझसे है, यही नहीं, यही नहीं, लेकिन आखिर करीम क्या फरमाते, हुसैन मुझसे। अरे अरे ये अलग इशू है। तो खाके करबला इसलिए मोहतरम नहीं के मौला अली की गुजरगाह, खाके करबला मोहतरम सिर्फ इसलिए हो गई कि जिसको मुस्तफा ने अपने जिस्म का हिस्सा कहा उसके कदमे नाश पड़े करबला में। तवज्जो चाहता हूं, तो जिस जमीन पर हुसैन का कदम पड़े वो पूरी दुनिया के ईमान वालों के लिए मोहतरम हो जाए। तो जिस बैतुल मुकद्दस में नबी का कदम पाक पड़ा हो, दिल लगाओ, डरो मत, बोलो बोलो, जिस मस्जिद अक्सा में नबी का कदम नाज पड़ा हो, मुल्क चाहे जो हो, जबान चाहे जो हो, हुकूमतें चाहे जिसकी हो, वह बैतुल मुकद्दस की अकीदा और मस्जिद अक्सा की हुरमा ईमान वालों की औलादों के दिलों से कोई माई का लाल दूर नहीं कर सकता। आवाजें निकलते रहेगी, सदाएं बुलंद होते रहेगी, और बलियावी ने तो कम ठोक के कह दिया है, सबसे पहले भारत में, हाँ हिंदुस्तान की मिट्टी की वो तासीर है ना कि ये तासीर पूरी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। अरे जोर से बोल दो, और इस तासीर को बचा के रखना मुसलमानों, तुम तेरे मत देना, इसे कभी डैमेज मत होने देना, तुम तेरे मत देना।
भारत की मिट्टी की खुशबू कहती है कि भारत कभी जालिमों के साथ खड़ा नहीं होगा, भारत हर दौर में मजलूम के साथ खड़ा रहता है, खड़ा रहेगा। इसलिए इतिहास पढ़े वो लोग, तारीख पढ़े वो लोग जो आज का भारत देख रहे हैं, गूगल का भारत नहीं बनने दिया जाएगा, डिजिटल का भारत नहीं बनने दिया जाएगा, अंग्रेजों के दलालों का भारत नहीं बनने दिया जाएगा, हुक्मरानों के टुकड़ा खोरों का भारत नहीं बनने दिया जाएगा। ये वही भारत है कि महेश को सीने में दर्द हो तो अब्दुल्ला दवा लेके दौड़ जाता है। दिल लगाओ, दिल लगाओ, बोल दो, बोल दो, बोल दो। महेश को सीने में दर्द हो तो अब्दुल्ला दवा लेके दौड़ जाता है, और अब्दुल्ला के बदन में खून कम हो जाए तो सुरेश अपना बांह फैला के कहता है, डॉक्टर साहब देख क्या रहे, निकाल लो। मजहब एक नहीं तो क्या हुआ, तवज्जो करो, मजहब एक नहीं तो क्या हुआ, धर्म एक नहीं तो क्या हुआ, मुल्क हमारा एक है, मुल्क हमारा एक है। इसी भारत की मिट्टी में एक योद्धा पैदा हुआ था जिसका नाम सरदार अटल बिहारी वाजपेयी था। बोलो जोर से, दबना नहीं, बोलो बोलो। जब इसी इसराइल ने आक्रमण किया, आंखें दिखाई तो सऊदी अरब चुप रहा, लबनान खामोश रहा, मिस्र हरकत में नहीं था, सूडान बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन इसी भारत के अटल बिहारी वाजपेयी भारत की मिट्टी के लाल में इसराइल को आंखें लाल करके कहा, खबरदार फलस्तीन के काजा पर नजर मत उठाना, इसलिए कि वो फलस्तीन का हिस्सा और मुल्क है, उसकी तरफ तुमने कब्जा किया है। अटल बिहारी इसके खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेगा, और सबसे पहले अगर सामग्री गया है कहीं किसी मुल्क से, राह का दवा, पानी, मेडिसिन, दूध, तो हमारे भारत से गया है। बोल दो, बोल दो। तब बलिया भी कहता है कि कुछ पार्टियों के पाले हुए लफंगे कौनल हो सकते हैं, भारत की मिट्टी कभी कौनल नहीं हो सकती, और इसको जो कुर्बानी देना हो दे देना, लेकिन इस मोहब्बत की दीवार में कभी भी दरार मत पड़ने देना। यही सबसे बड़ी मेरी कमाई है, आपकी पूंजी है, मुल्क की, वतन की मोहब्बत। और मैं तो कहता हूं कि हम भारत से इसलिए सिर्फ प्यार नहीं करते कि मेरे दादा की कब्र है, सिर्फ इसलिए भारत की मिट्टी हम नहीं चूमते कि यहां पर दादा और लकड़ दादा के मजारात हैं, बल्कि भारत की मिट्टी से मोहब्बत तो मेरे खून में ऐसे ही है जैसे जिंदा रहने के लिए खून जरूरी है, वैसे है भारत से हमारा प्यार। इसको यहीं रोक लो, बात दूसरी तरफ जा रही है। अल्लाह ने हाकिम बनाया है मर्दों को, किस पर? औरतों पर। धीरे बोल रहे हो जी, तो हाकिम बनाया है तो लाठी से पीटोगे? हुकूमत के लिए चार चीज होना जरूरी है। कितनी चीजें? कितनी चीजें? पहली सच्चाई, सदाकत।
दूसरी इंसाफ, तीसरी सखावत, चौथी शुजाअत। जिस मुल्क में सच्चाई ना हो सिर्फ झूठ का पतंग उड़े, सिर्फ झूठ का पतंग तो पतंग, यहां झूठ का हाथी उड़ा देता है। यानी कल तक हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो पता नहीं अब वो सब घूमता है कि नहीं। वो क्या बोलते हैं वो सब जो आता था मदारी वाला खेल, मदारी बोलते थे गांव में आता था वो, पहले बाजा बजाता था फिर उसके बाद दो ठो पिटारा में से निकालता था, सांप उधर नेवला को मांग देता था और तबीयत से बोलता था बस थोड़ी देर के बाद नेवला निकलेगा पिटारा से, सांप को ढूंढ के निकालेगा, काट के कुट्टी कुट्टी बोटी बोटी अलग कर देगा और मेरी झोली से जड़ी निकालकर सुंघाएगा, फिर सांप चलने लगेगा। यानी उसको सर्जन भी बना। अब मेरा भारत क्या महान है, आया था बाजार करने, हाट करने, साग सब्जी खरीदने, इनाम से झोला लेके बैठ के बोलो सही है कि गलत, जोर से बोलो। आज तक किसी ने देखा कि नेवला ने सांप को पकड़ के पीस पीस बोटी बोटी करके फिर जिंदा किया? लेकिन इसी बीच में मदारी वाला आराम से खुजली की दवा बेच लिया। बोलो सही है कदम। तो इसमें और वर्तमान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फिर कभी आऊंगा तो बता दूंगा उधार रहे। अल्लाह ने हाकिम बनाया। मोइनुद्दीन साहब हैं इसके ऊपर। अरे माशाल्लाह क्या बात है। हाँ तो कादरी मंजिल लिखा है तो कादरी मंजिल तो विरासत है लोगों की। जमशेदपुर में जाइएगा तो रईसुल कलम के मकान पर अरशद मंजिल नहीं कादरी मंजिल। और क्या कहा? कादरी का कादरी रख, पहले कादरी कर, पहले कादरी कर फिर कादरी रख। अब कादरियों में उठा बात दूसरी तरह चली जाएगी। अल्लाह ने हाकिम बनाया मर्दों को, किस पर? जोर से। तो क्या इसलिए आप हाकिम हो कि कमाओ नहीं, सुबह सुबह उठो और बोलो कि नाश्ता क्यों नहीं बना? अरे बोलो ना। पूरी दुनिया में शहबाज बाबू ये हिस्सा शायद आज ही मैं निकाल रहा हूं, सुन सकते हो तो सुन लो, मोहब्बत से बोल दो, अरे जोर से बोल दो। रिश्तों के अलग अलग नाम हैं, कहीं दिया कहीं कॉन्ट्रैक्ट, कहीं पार्टनरशिप, कहीं लिविंग रिलेशनशिप, तरीके अलग अलग है, मंजिल एक है। तवज्जो करो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में गारंटी नहीं, रिलेशन में गारंटी नहीं, गले में हार दे देने से गारंटी नहीं, गारंटी नहीं, मांग में सिंदूर डाल देने से गारंटी नहीं, उंगलियों में रिंग पहनाने से गारंटी नहीं, लेकिन तन्हा निकाह
ऐसा है जहां बेटी को बाप का घर छोड़ने से पहले गारंटी है। किस चीज की? किस चीज की? किस चीज की? रहने की, खाने की, दवा की, इलाज की। पूरी दुनिया में किसी भी मजहब या धर्म में इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हाजी मोइनुद्दीन कादरी साहब के बेटे का निकाह है तो ऐसा नहीं है कि लड़की से जबरदस्ती कोई कर ले, बल्कि क्या खूबसूरत निजाम मेरे मुस्तफा करीम ने अदा किया है। ए मेरी उम्मत के बेटियों, घबराओ मत, तू अपने बाप का घर छोड़ने से पहले तेरी जरूरियात जिंदगी की पहले गारंटी तय की जाएगी। बोल दो, बोल दो। ये समझने वाली कौम रहे तब ना, यहाँ फजीलत समझाया गया। बेशक बेशक बेशक, अल्लाह। वो भी फजीलत में भी चादर चढ़ा दो, लंगर बना दो, खूब लुटा दो, पढ़ो लिखो मत, जाहिल रहो, क्या फर्क पड़ना, फलाना बाबा छू देगा जन्नत में कूद जाओगे, इतना पिटाई होगी ना बाबा समेत ढाबा उखड़ जाएगा यार। मोहब्बत से बोल दो, मोहब्बत से बता। तो मैं क्या कह रहा था, गारंटी। आका करीम ने क्या फरमाया है, मेरी उम्मत की बेटियों घबराना मत, बड़ी नाज से तेरे बाप ने पाला है, बड़ी मोहब्बत से बाप ने परवरिश की है ना, बहुत मोहब्बत किया है तेरे भाई ने ना। आज भी भाई अगर कोई चीज लेकर आता है तो कोशिश करता है बहन को पहले दे दे। लेकिन आज के लालची समाज में, आज के आवारा बेटों ने निकाह को इतना महंगा कर दिया, निकाह को इतना महंगा कर दिया कि बेटियां बोझ बन गई। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? अब मैं पूछता हूं, बता इसमें कहां इस्लाम के दुश्मनों का हाथ है, कहां मुसलमान के बेटियों के दुश्मनों का हाथ इसमें है, बेटियों को बोझ बनाने का हाथ तेरा है, बेटियों को बोझ बनाने का हाथ मुसलमान तेरा है, तेरा तेरा। कहीं मैरिज है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं एग्रीमेंट है, कहीं कोक खरीदी जाती है, कहीं कोक खरीदी जाती है। बोलोगे तो बोल दूंगा, जोर से जोर से। खरीदी हुई कोक का पीरियड है, डिलीवरी के बाद वो भी आजाद, ये भी आजाद, वो भी ऐसा, ये भी ऐसा, क्योंकि खरीदी हुई कोक थी, खरीदी हुई कोक थी। इस्लाम में कोक नहीं खरीदी जाती, इस्लाम में कोक नहीं खरीदी जाती, एग्रीमेंट होता है। ए मेरी उम्मत की बेटियों, घबराना मत, बाप ने परवरिश की, भाई ने तेरे साथ मोहब्बत और वफा किया, चचा ने तुझको अपनी औलाद समझा, दादा ने तुझको अपनी पोती और नाना ने तुझको अपनी नवासी मानी, घबराना मत, घबराना मत। बाप की चौखट छोड़ने से पहले तेरी जिंदगी की सारी गारंटी दी जाएगी। सुभान अल्लाह, तेरी जिंदगी की सारी गारंटी दी जाएगी। अब मौलाना सगीर रजा साहब आए, बच्चे का निकाह पढ़ा, हिम्मत है इनकी, जो डायरेक्ट आवे और आते ही कह दे कि मैंने फला की बेटी फला को आपके निकाह में दिया, हिम्मत है? अरे बोलो ना, हिम्मत है? नहीं, बल्कि होता क्या है, पहले दो गवाह ढूंढते, गवाह ढूंढते, वो भी देखते हैं इसकी गवाही मोतबर होगी कि नहीं, इसकी गवाही मोतबर होगी कि नहीं, कहीं ये कोर्ट कचहरी का गवाह तो नहीं है,
जैसे कोर्ट कचहरी में बेल पटिशन के दिन ऐसे ही जो हाँ एक बात तो तय है कि अफीम में भी उतना नशा नहीं है जितना कचहरी के रसगुल्ला समोसा चाय में नशा। बोलो सही है, सही है। जोर से बोलो ना, कोई काम नहीं है लेकिन कोर्ट रोज रोज जाएगा। एक साहब से मैंने कहा साहब आप कितना मुकदमा लड़ते हो, बोला एक भी नहीं। मैंने कहा फिर कोर्ट रोज क्यों मारते हो, बोला यही रोजगार है। मैंने कहा क्या जज हो, बोला नहीं। पेशकार हो, बोला नहीं। मैंने कहा फिर क्यों मारते हो, बोला कमाल है साहब आप भी श्री मौलाना ही नहीं। मैंने कहा हूं तो भी, बोला जिसकी कोई जमानत नहीं लेता उसकी जमानत मैं ले लेता हूं। क्या बात है। है हिम्मत मौलाना सदीर की जो डायरेक्ट कह दे कि फला की बेटी फला को आपके निकाह में दिया, नहीं नहीं बल्कि दो गवाह लेते हैं। आई 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 दो गवाह लेते हैं और सीधे गवाह लेकर बच्ची के पास जाते हैं और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये दो गवाह हैं, ये फला साहब हैं जो फला जगह के रहने वाले हैं, ये फला साहब है फला जगह के रहने वाले। मैं बहैसियत काजी और वकील के, मैं बहैसियत काजी और वकील के इन दो गवाहों की मौजूदगी में आपका निकाह फला के बेटे फला से बाइबल इतना लाख इतना हजार दैन महर, इतना लाख इतना हजार दैन महर अलावा खाना कपड़ा रहना दवा इलाज सुखना सबकी गारंटी के साथ मैं आपका निकाह पढ़ाना चाहता हूं, पढ़ाने जा रहा हूं, क्या आपको की तरफ से इजाजत है, आपकी तरफ से। यही होता है ना, क्योंकि मैं निकाह पढ़ाता नहीं, यही होता है ना, मैं दो काम नहीं करता हूं, न निकाह पढ़ाता हूं ना नमाज पढ़ाता हूं, सीधी सीधी बात है। पहले क्या कहा, ये दो गवाह बहैसियत होगी फला का बेटा इतना दैन महर, इसके साथ खाना कपड़ा दवा इलाज रहना सारी जिम्मेदारी कौन अदा करेगा, अरे बोलो ना कौन अदा करेगा, फला का बेटा फला, क्या इजाजत है। आई आई क्या इस्लाम का फलसफे निजाम है, ए बाप की बेटियों घबराओ ना, तुम मुस्तफा की उम्मत में हो तो तुम लवारी चौराहे पर छोड़ी नहीं जाओगी बल्कि बाप का घर छोड़ने से पहले लड़का यानी दूल्हा गारंटी लेगा तेरे रहने की, तेरे खाने की, तेरे कपड़े की, तेरे इलाज की, तेरे दवा की, और सिर्फ इतने ही पर नहीं बल्कि बाप की चौखट छोड़ने से पहले इतनी मिल्कियत की मलिका तुझको पहले बनाएगा। अभिमान से बोलो ये सिस्टम ये कानून किसी दूसरे मजहब में है, अरे बोलो ना है नहीं है। लेकिन इसको बर्बाद किसने किया है, अरे बोलो ना, क्यों शर्म आ गई बोलने में। इसको छोड़े बस एक मिनट, शर्माने का नियम सीधे टोक दो, डर मत, अल्लाह के रिज़्क़ की तौहीन क्यों कर रहे हो बेटा, जिस रिज़्क़ की तौहीन तुम कर रहे हो ये रिज़्क़ अगर तुझसे रुक जाएगा तो क्या करोगे।
انہی سارے خرافات کے خلاف ادار شریعہ کی تحریک بیداری ہلا بول چل رہی ہے. مولانا سلیم صاحب ابھی گریڈی بوکارو ہزاری باغ تین جگہ کیا ہوں. کل سے اثر دکھنے لگا ہے. کل سات بارات میں ڈی جے اور باجا لے کر لوگ آئے تھے. سات گاؤں کے لوگوں نے ڈنڈا سے رگیڑ دیا. کہا میرے گاؤں میں خبردار اب ناچتے ہوئے آؤ گے تو گلیاں تنگ کر دی جائیں گی. تم میرے ناکا کی ناد پڑھتے آؤ مجھے کی برسات. اس لیے میں آپ سے ونتی کر کے کہوں گا, اپیل کر کے کہوں گا, اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں پر, انصاف کرو, صداقت اور سچائی کا سلوک کرو. اب کمانے اور روٹی کی ذمہ داری مردوں کی ہے.